हे गाइस गुड इवनिंग वेलकम बैक टू द चैनल कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज अभी टाइम हो रहा है 5 PM, अभी से मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आज सोचा मैंने क्यों ना, रोज़ तो सुबह का वीडियो करती हूँ, सुबह या आफ्टरनून से सीधा रात तक, तो मैंने सोचा नहीं, आज थोड़ा बिजी भी थी तो मैंने सोचा कि चलो हाँ मैं इवनिंग से शुरू करती हूँ वीडियो। तो अभी तो दिवाली ऑलमोस्ट आ ही गई है और एक हफ्ता भी बचा नहीं है दिवाली के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से दिवाली वीक शुरू हो रहा है, धनतेरस है, दिवाली है, हम लोग मतलब गुजराती न्यू ईयर भी है, सब कुछ है। तो दिवाली के लिए घर का क्लीनिंग, शॉपिंग, सब कुछ बाकी, वो सब तो हम लोग करेंगे धीरे धीरे। तो मैंने भी घर का थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया है डेकोरेशन, काफ़ी सारा चीज़ें भी लिया, वो सब भी मैं दिखाऊंगी। और आज एक बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर मतलब बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे अभी शाम से शुरू करना पड़ा है कुकिंग, तो उसका मैं दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। तो चलिए अभी वीडियो शुरू किया है, देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगे। ये बालकनी में ऑलरेडी मैंने थोड़ा थोड़ा करके लाइट्स लगाया है, एक ही लाइट फिलहाल लगाया है, एक दो और लगाऊंगी फिलहाल, थोड़ा ऐसा मैं सोच रही थी कि और थोड़ा बाद में लगाऊंगी, फिर सोचा नहीं दिवाली थोड़ा पहले से फील होना चाहिए, राइट, थोड़ा ऐसा फेस्टिव वाइज नहीं आता लाइट्स अगर नहीं लगाओ तो मैंने बालकनी में ऑलरेडी एक लाइट लगा दिया था, पड़ा था घर पर वही, और सब LED लाइट्स ही हैं, और एक लगाऊंगी वो बैल्कनी, दूसरा वाला बेडरूम वाला, वो तो पूरा साल ही मेरा उसमें लगा हुआ ही है LED लाइट। एनीवेज एक्चुअली अनियन फ्राई हो रहा है, मैं देखती हूँ अंदर जाके, नहीं तो वो जल जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अंदर जाकर भी चेक कर। मटन के मैरिनेशन के लिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा मैंने प्याज अनियन को अच्छे से फ्राई कर लिया, मैंने 500 ग्राम्स मटन लिया है, उसमें 4 मीडियम साइज का अनियन ऐसा थिनली स्लाइस करके ऑयल में फ्राई कर लिया, बेरेस्ता जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 4-5 टेबल स्पून योगर्ट, योगर्ट थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में देना है, 2 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे डालना है, कोरिएंडर लीव्स भी ऐसा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है, वाइट ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा देना है इसमें। अभी इसमें मैं 500 ग्राम जितना मटन है वो ऐड कर दूँगी और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। सो गाइस मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ। एक्चुअली अभी दिवाली सीजन है तो किसको नहीं अच्छा लगेगा बताइए, अगर कुछ गिफ्ट मिले तो यस हम लोगों को मिला है, मतलब ऐसा कहीं किसी से गिफ्ट नहीं मिला, वो एक्चुअली थोड़ा बहुत कुछ हम लोगों ने लिया है। वो क्या क्या है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये वाला एक पॉट लिया है, ये वॉन्डर शेफ का है, देख सकते हैं ऐसा, उसके साथ लेड भी आया है और ये इतना डेप्थ भी काफ़ी अच्छा है, मतलब 4-5 लोगों के लिए अच्छे से खाना बन जाएगा। आप लोगों ने देखा ना, जो मैं मटन बनाने वाली हूँ वो इसी में एक्चुअली दम पे कुक करने वाली हूँ। ये मुझे हमेशा, आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा स्टील के बर्तन यूज़ करती हूँ, बट ये जो ग्रेनाइट वाला होता है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये बहुत ईजी टू यूज़ होता है, ज़्यादा चिपकता नहीं है, जलता नहीं है खाना इसमें, और धोना भी बहुत ईजी होता है, तो मैंने ये वाला एक लिया है। बाय द वे इसके लिए कोई पैसे नहीं देना पड़ा। और दूसरा चीज़ मेरा बहुत फेवरेट एंड काम का चीज़ वो मैं दिखा, और दूसरा है ये सैंडविच मेकर, ये कैनस्टार का है, ग्रिल कुछ लिखा है इसमें, कैनस्टार ग्रिल,
ग्रिली बोल के, बट ये सैंडविच मेकर हम लोगों ने लिया है। मुझे नहीं पता है कि इसमें और भी कुछ बनता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ सैंडविच ही बनाया, अगर और भी कुछ बनता है तो मुझे प्लीज़ बताना, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। और इसका मैं कोई लिंक नहीं देख सकती कहाँ से लिया है, क्योंकि ये कुछ तो हितेश ने कहीं पे कुछ कुछ किया था जिसके वजह से कुछ हमको फ्री पॉइंट्स मिला था, तो ये हम लोगों ने एक दूसरा कोई वेबसाइट से फ्री में पूरा वो पॉइंट्स के थ्रू ही मिला है, हम लोगों को कोई ऐसा पैसे पे नहीं करना पड़ा है। तो ये दो चीज़ लिया है, और भी कुछ पॉइंट्स है तो मैं सोच रही हूँ और भी कुछ चीज़ें मंगवा लूँ। ऐसा दिवाली के टाइम पे बहुत खुशी होती है मुझे स्पेशली, अगर कुछ ऐसा गिफ्ट मिला तो फ्री में मिल रहा है, मतलब गिफ्ट ही मिला है, तो वो दो चीज़ मैंने लिया। और आज इसमें मैं मटन कुक करने जा रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है, होपफुली अच्छा बनेगा, क्योंकि वॉन्डर शेफ का ऑलरेडी मेरे पास वो मिक्सर है एंड और भी एक दो चीज़ शायद से है, मुझे याद भी नहीं है। और ये ग्रिलर मैं ऑलरेडी यूज़ करी हूँ सैंडविच मेकर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सैंडविच बन रहा है। तो ओके चलो, जो भी लिया हम लोगों ने मैं तो बहुत खुश हूँ उससे। तो ये था हमारा, बोल सकते हैं कि अभी से दिवाली गिफ्ट मिलना शुरू हो गया है हम लोगों को, तो यही दो चीज़ है अभी फ़िलहाल। मैं मैरिनेट तो कर दिया मटन, बाद में एक डेढ़ घंटे बाद इसको कुक करूँगी, तो तब तक के लिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, देन उठ के बनाती हूँ। तो गैस अभी मैं सो के उठ गई हूँ और अभी मटन चढ़ाना है, क्योंकि ये कुकर में नहीं बनाऊँगी, सिंपल जो पैन दिखाया था ना वही वाले पॉट में बनाऊँगी, तो थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही, ऐसा नहीं कि कुकर में बस वेसल लगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये बनने में एटलीस्ट दो घंटा तो मुझे लगता है होगा ही, लगेगा ही। ये एक्चुअल रेसिपी मैं किसी का देख के बना रही हूँ, मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे किसी का रेसिपी देखा मटन का, तो वही वाला रेसिपी फॉलो करके बना रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर एक्चुअली मिट्टी का जो बर्तन था ना उसमें बनाया था, क्या बोलते हैं वो चारकोल जला के उसमें बनाया था, तो वो चीज़ मेरे पास अभी ऑफकोर्स नहीं है, तो मैं वो नहीं बना, वैसे नहीं बना सकती, तो नॉर्मल गैस में बना रही हूँ। बट हाँ स्लो कुक करूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स स्लो कुक ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कोई भी ऐसा मीट बनाने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे बनना है। जस्ट इसको चढ़ाने के बाद एक बार ना 10 मिनट या 15 मिनट के लिए थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में थोड़ा कुक करना है, उसके बाद इसको एकदम लो फ्लेम में ढक के जस्ट दम पे पकाना है, दैट्स इट, यही। बट बीच बीच में थोड़ा तो चलाना ही होगा, नहीं तो नीचे तो लगने का मतलब लग जाएगा ना, तो ये बना लेते हैं। और हाँ चलिए बाहर दिखाते हैं, मैंने थोड़ा बताया था ना थोड़ा लाइट वाइट लगा है बालकनी में, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा वाइट ऑयल एंड घी ऐड किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें अभी मैं थोड़ा सा खड़े मसाले ऐड करूँगी, यहाँ पे है ड्राई रेड चिली दो लिया है, चार मैंने यहाँ पे इलायची लिया और एक इसको क्या बोलते हैं सिनेमन स्टिक लिया, इसको इसमें ऐड कर दूंगी, जब ये हल्का सा क्रैकल हो जाए देन इसमें मैं जो मैरिनेट किया हुआ मटन है वो इसमें ऐड कर दूंगी। आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा बैल्कनी में ऐसे ही थोड़ा सा फेरी लाइट्स लगा दिया है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, ऐसा फेस्टिव फीलिंग आ रहा है। और दिवाली में, दिवाली का मेन अट्रैक्शन तो आई थिंक लाइट ही होता है, तो बस वही थोड़ा लगा है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। Stay with me now till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. मेरे घर पे तो ऑलरेडी दिवाली जैसा फीलिंग आ रहा है, फेस्टिव फीलिंग देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो एक्चुअली परमानेंटली रखती हूँ बट फिर भी ऑलवेज तो ऑन नहीं करती हूँ, बट अभी ऑन करे अच्छा लग रहा है ना, ऐसा फेस्टिव जैसा फील हो रहा है। और बेडरूम में भी देखिए यहाँ पे ये वाला लाइट ऑन रखा है, ऐसा ऊपर अच्छा दिख रहा है ना।
तो आप लोग कैसे दिवाली के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। और आज तो मेरा ये टास्क है, मैं बार बार जाके चेक कर रही हूँ। मटन का एक्चुअली बहुत सिंपल तरीके से बना है, पता है, ईजी रेसिपी है। जस्ट हम मैरिनेट करके एक दो घंटा रख दो, उसके बाद ऑयल में थोड़ा खड़े मसाले फ्राई करके उसको डाल दो, बस उसके बाद बस कंटिन्यूसली देखते रहो। ऐसा नहीं कि हर 5 मिनट 10 मिनट में देखना है, 15-20 मिनट बाद बाद एक बार चेक करो, क्योंकि मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जाके एक बार। अभी बहुत ज़्यादा पानी एंड ऑयल भी निकला है, तो बार बार चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। आधे घंटे में भी एक बार चेक करोगे तो भी चलेगा, बट हाँ ध्यान रखना कि अगर पानी और ऑयल ज़्यादा निकला है, मतलब ऑयल अगर आप लोगों ने ज़्यादा दिया, ऑयल एंड घी देन ही आप चिल मार सकते हो, आधे घंटे बाद बाद चेक कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऑयल कम है तो डेफिनेटली बार बार, मतलब हर 10 मिनट में तो चेक करना ही पड़ेगा। एनीवेज थोड़ा सा अंदर जाती हूँ, मे बी कुछ टीवी में देखूंगी, देखते देन फिर से मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ मटन कैसा हाल में है। तो आप लोग देख सकते हैं मटन से काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकला है। ये 10-15 मिनट्स मैंने इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम में ऐसे कुक कर लिया, ताकि जो मसाले का कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए। अभी 10-15 मिनट्स हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चारों तरफ से ऑयल निकला है। अभी मैं इसको ढक के एकदम लो फ्लेम में कुक करूँगी, और हाँ इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही ऑयल एंड घी ऐड करना पड़ा है। मटन दिख तो बड़ा ऑसम रहा है, देख सकते हैं कितना ऑयल निकला है, बट कितना पका है वो अभी चेक करना है, बॉयल हुआ कि नहीं। लगता है बॉयल हो गया, देखो दिख रहा है, ओह माय गॉड पक गया बोलते हैं। हाँ तो बॉयल एंड पक गया ना, दोनों सेम ही हुआ है। हाँ देखो, ये देखो आप लोगों को दिख रहा है, क्लोजर शॉट लो, ये देखो कितना ऑसम पका है, बॉयल हो गया है आई थिंक। ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कुकिंग किया मटन और कुक हुआ। सो गाइज ये मटन बन गया है और इतना ऑसम दिख रहा है, और खाने में भी उतना ही ऑसम बना है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा बना है, और बहुत सिंपल तरीके से बना है ना, अच्छे से कुक भी हो गया, बॉयल भी हो गया, तो अच्छा लग रहा है। गाइज गुड मॉर्निंग, तो आज है नेक्स्ट डे। यस्टरडे रात को हम लोग मूवी देख रहे थे खाना खाने के बाद, और मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो को एंड करना है, रिव्यू भी देना है कि कैसा मेरा प्रिपरेशन बना था। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ऑसम बना था कल जो मैंने मटन बनाया था, सबको बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली स्लो कुकिंग हर कोई मीट को ना बहुत अच्छा जूसी टेंडर बनाता है, टेस्टी भी बनाता है, थोड़ा सा अलग प्रोसेस में बनाया था ना मैरिनेशन उसका, तो काफ़ी अच्छा था। तो आप लोग घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर नॉन वेजिटेरियन है तो। एनीवेज गाइस अभी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Like a cargo, you will carry me.